नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी का सोना ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आए हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छा हमारा चटपटा नींबू का अचार बनके तैयार होगा और इसे साल भर कैसे स्टोर करें मैं ये भी आपको बताऊँगी। और नींबू का अचार बनाना बहुत ही आसान है, नींबू का अचार फायदेमंद होता है, तो नींबू का अचार आप ज़रूर बनाइए। अब मेरे तरीके से चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो बस हमें करना क्या है, हमने ले लिया है यहाँ पे नींबू। तो नींबू हमने अच्छे से धो के इसको पोंछ के रख लिया है। तो पहले से हमने इसको धो के पोंछ के ले लिया है। तो हमारा देखिए ये बड़ा साइज का थोड़ा नींबू है। सर्दी के मौसम में नींबू का सीजन होता है, बहुत अच्छे नींबू आते हैं। तो आप कोशिश करें कि अच्छे नींबू, एकदम फ्रेश नींबू लें। तो बस इसको हमें कट करना है। तो देखिए हमारा ये बड़े साइज़ का नींबू है, अब इसे हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे और छोटे छोटे इसके हम पीस निकालेंगे। तो एक नींबू में करीब हम 8 पीस निकाल रहे हैं और इसके बीज निकाल देंगे। तो जितना हो सकता है आप बीज निकाल दीजिए, और अगर काग दो छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक नींबू में इतने सारे बीज निकल आए हैं। तो हम छोटे छोटे पीस नींबू का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को अगर कम खाना है तो छोटा पीस उठा लें, अगर ज़्यादा खाना है तो दो पीस ले लें चलेगा, नहीं तो थाली में जो छूटता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए छोटे पीस रहे तो ज़्यादा सही है। तो देखिए हमने सारे नींबू अपने काट लिए, इतना सारा बीज हमारा इस नींबू में निकल आया है। तो देखिए ये हमारा बहुत अच्छा नींबू है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको चलते हैं, एक हम बड़े बर्तन में, हम कांच के बर्तन में रख रहे हैं। यदि आपके पास कांच का बर्तन है तो आप प्लास्टिक का कोई बर्तन हो उसमें ले लीजिए, नहीं तो जिसमें आप बोतल में रखे हो वो बोतल ले लीजिए। तो यहाँ पे हम 100 ग्राम नमक डाल रहे हैं, तो 1 किलो नींबू में 100 ग्राम नमक लग जाएगा। और यदि आपके पास ऐसा कप नहीं हो तो आप आधी कटोरी नमक डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप दूसरा कोई बर्तन जैसे एल्युमिनियम का, तांबा का, पीतल का कोशिश करें ना लें, स्टील का भी ना लें तो चलेगा क्योंकि इसे हमें 4-5 दिन के लिए रखना है। ढक्कन लगा के आप हम रख देंगे इसको 5 दिन के लिए, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे, उसको उलटते पलटते रहेंगे ताकि हमारा अचार अच्छे से गल सके। देखिए 5 दिन हो गया, हम 5 दिन बाद आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन के लिए इसलिए रखा था ताकि हमारा नींबू थोड़ा गल जाए अच्छे से और इसका हम अचार जल्दी खा सकें। तो बस देखिए कितना पानी इसमें हो गया है नमक डालने से, नींबू का और नमक का पानी सब इसमें देखिए कितना सारा दिख रहा है। और हम आपको दिखाते हैं हमारा नींबू भी थोड़ा गल गया है, ये देखिए आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। ये हमारा अचार बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो बस इसको रखते हैं साइड में, देख लेते हैं मसाले कि इसमें मसाले क्या क्या हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है, पर देख लेते हैं हमारे ये खड़े मसाले हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर के सौंफ लिया है, और 1 चम्मच यहाँ पर हमने जीरा लिया है, और 1 चम्मच यहाँ पे अजवाइन लिया है। तो अजवाइन आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है स्वाद। अब यहाँ पे हमने आधी चम्मच काली मिर्च लिया है, साबुत है, और यहाँ पे काली वाली जो बड़ी वाली इलायची होती है 2 इलायची हमने लिया है। अभी लिया हमने काला नमक, ये लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो बस इतना ही मसाला हमको ज़रूरत है, लेकिन पहले खड़े मसालों को हम हल्का सा भून लेते हैं, फिर इसको हम पीस लेंगे दरदरा। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया, तो कढ़ाई में सौंफ और जीरा एक साथ डाल के भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसकी नमी निकल जाए, थोड़ा सुगंध आने लगे तो मसाला हमारा बहुत अच्छा तैयार होगा। तो देखिए हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अजवाइन लिया है, तो अजवाइन को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अजवाइन हमने जीरा और सौंफ के साथ इसलिए नहीं भूना क्योंकि बारीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए हो गया, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो जब ठंडा हो जाएगा तो जार में पीस लेंगे। तो देखिए हमारा ठंडा हो गया, तब हम जार में डाल लेते हैं और इसको हमें दरदरा पीसना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, दरदरा मसाला रहता थोड़ा दिखता तो अच्छा लगता है। तो काली मिर्च भी डाल दी, लेकिन जो ये इलायची है बड़ी वाली, इसको दाने खोल के डालेंगे। इसके दाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है, और जब दाना खोल के डालेंगे तो अच्छे से पीस जाएगा। तो देखिए हमने दाने अच्छे से खोल लिया है, अब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से पीसा है, बहुत बारीक नहीं करेंगे। बस अब इसमें डाल देते हैं हम काला नमक, अब यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे हमारा ये तीखा लाल मिर्च है, तो हमने थोड़ा सा लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिए जैसे आप पसंद करते हैं। हमने काली मिर्च भी डाला है, थोड़ा सा तीखा खट्टा
और चटपटा अचार अच्छा लगता है, तो इसलिए हम डाल रहे हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसलिए डाला ताकि हमारा कलर बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तीखा नहीं होता है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब लेते हैं नींबू। अब इस नींबू में हम सारा मसाला डाल देंगे। तो नींबू देखिए हमारा कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, अच्छे से हमारा गल गया है। तो सारा मसाला इसमें हम अब डाल देंगे। इसमें तेल वेल डालने की ज़रूरत नहीं है, यदि डालना चाहे तो आप एक चम्मच यहाँ पे तेल डाल सकते हैं। देखिए अच्छे से हम मसाला मिक्स करते रहे हैं। अब जैसे जैसे हमारा अचार गलेगा, तैयार होगा, वैसे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अचार का क्या है ना, यदि खाने के साथ अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। जिसका मन नहीं रहता खाना खाने का ना, अचार दे दो तो वो भी खा लेता है खाना। और ये नींबू का अचार तो जैसे आप सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खा रहे हैं, कोई भी पराठा लिए हैं उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालते हैं चीनी। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम चीनी है। तो 1 किलो नींबू में हम 250 से 200 ग्राम चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे बढ़िया से। चीनी डालने से भी हमारा जो है कि यदि आप चीनी नहीं डालना चाहते, केवल खट्टा अचार बनाना चाहते हैं, तो आप चीनी मत डालिए। मसाला मिक्स करके ऐसे ही आप बोतल में भर के रख दीजिए। यदि आप थोड़ा सा मीठा भी चाहते हैं तो इसमें थोड़ा चीनी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने लिया है जार। तो जार को पहले से धो लें अच्छे से, इसको थोड़ा सा धूप में सुखा लें, फिर इसमें अचार रखें आप। तो देखिए हम इसमें अचार डाल दिए हैं। तो हमारा करीब 1 किलो का जार है, 1 किलो हमारा नींबू इसमें अच्छे से आ गया है। तो जो इसका पानी जूस है ये भी ऊपर से डाल देंगे। अभी जैसे जैसे ये पिघलेगा तो चीनी भी अपना पानी और छोड़ेगा, तो पूरे डब्बा भर जाएगा, लेकिन जब पकेगा धीरे धीरे तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया कलर हमारा लग रहा है और पूरा जार हमारा अच्छे से भर गया है। तो इसे करना क्या है, इसे अब हम धूप में रखेंगे। करीब 6 से 7 दिन तक इसे धूप में रखेंगे और फिर 15 से 20 दिन में ये हमारा अचार एकदम से खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, यदि किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पता चल सके। और आप टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखिए और बनाइए, और आपका कैसा बनता है हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। आप इस तरह बना के रख दें, बनाए खाएँ, इंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।